उत्तराखंड के हल्द्वानी के बवाल के बाद अब अलीगढ़ में हल्द्वानी की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, जिसको लेकर चारों तरफ फोर्स अलर्ट रही। इलाकों में गश्त किया गया। मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद ऊपरकोट इलाके में फोर्स लगाई गई और ऊपरकोट के जामा मस्जिद में शांति और अमन के साथ नमाज पढ़ाई गई। पहले से ही पुलिस प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं से बातचीत कर रखी थी और सभी से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रथम अभय कुमार पांडे ने बताया कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्स तैनात कर रखी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, चारों तरफ शांति व्यवस्था कायम है। किस तरीके की सुरक्षा जुमे की दृष्टिगत हम लोगों ने इससे पहले भी ड्रोन सर्विलांस करा लिया था और जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस सुबह से ही मर्सी है गश्त कर रही है और हम लोगों ने सभी अपने जो धर्मगुरु हैं उनसे बात कर रखी है और ऐसी कोई बात नहीं है और सभी से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखें और किसी प्रकार की भी अफवाह पर ध्यान दें। सर किस तरह की हाई अलर्ट एज सच है हम लोग, लेकिन जुमे को दृष्टिगत रखते हुए नॉर्मल हमारा रूटीन भी है तो हम उस तरीके से कार्य कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई इश्यू नहीं है तो सबसे हमारा बातचीत हो चुकी है, सभी कॉन्फिडेंस में है और जैसा कि आप देख रहे हैं सारी दुकानें भी यहाँ खुली हुई हैं। आम जनता जो है अपना जिस तरह से उनका जो रूटीन का कार्य होता है वो सभी अपना कर रहे हैं। सर कौन कौन सी टीम यहाँ मौजूद है लगी हुई है? यहाँ पर थाना पुलिस की दो टीमें है ही हैं, QRT भी है, साथ में RAF भी बुला ली गई, ऐसे ऐसी बाकी कोई ऐसा इशू। तो सर किसी तरह का माहौल का संदेश तो नहीं ऐसा लगा कि ठीक? ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।